अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग शिराजी स्टूडियो एंड आई एम योर होस्ट शिराज अवान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मोटरवे पर, हम जा रहे हैं सवात, कलाम और बहरीन वैली में। हम आपको दिखाएंगे खूबसूरत नज़ारे, कुदरत के हसीन मनाजिर, जिन्हें देखकर इंशाल्लाह आपके मुंह से सुभान अल्लाह के अल्फाज निकलेंगे। बड़े ही खूबसूरत मनाजिर हैं, बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं जो हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम मोटरवे पर मौजूद हैं और सवात से कुछ फासले पर हैं। इंशाल्लाह हम जैसे ही सवात पहुंचेंगे अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कहाँ कयाम करेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे। ये हमारी टीम हमारे साथ है और आज आपको कुछ नए चेहरे भी नज़र आ रहे होंगे, ये भी हमारे साथ हैं और ये भी हम मोटरवे पर मौजूद है। लेकिन सवात की जो केपीके की पाकिस्तान का एक खूबसूरत इलाका जिसे एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, सवात वो वैली है, उसका आगाज अभी हुआ है और यहाँ पर नज़ारे आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत नज़ारे हैं। पता लग रहा है जैसे हम सवात की जानिब जा रहे हैं। मेरे पीछे आप मनाजिर देख सकते हैं, कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। और नाज़रीन, हम जा रहे हैं सवात की जानिब, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं वादी कलाम के अंदर। सुबह के 5:30 बजे का वक्त है और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, बारिश हो रही है और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये बहता हुआ दरिया है और ये कुदरत के हसीन नज़ारे। ये पानी की तुगयानी देखें, किस कदर स्पीड में ये पानी आ रहा है और यहाँ से ये पानी इस दरिया में शामिल हो रहा है। सामने पहाड़ों का मंजर देखें, पहाड़ों पर धुंध के मनाजिर हैं इस वक्त, ठीक है, और हाइट देखें। और नाज़रीन, हमें आइडिया नहीं था कि मौसम सर्द हो जाएगा इतना, हमें सर्दी भी लग रही है, लेकिन बहुत यकीन जाने बहुत मज़ा आ रहा है हमें। बड़े ही खूबसूरत नज़ारे हैं वादी कलाम के अंदर। सुबह के 5:30 बजे का वक्त है और मेरे पीछे पानी का शोर, क्या बात है, सुबहान अल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत ये नज़ारा और आँखों को ठंडक पहुँचाने वाला, आँखों को खीरा करने वाला ये नज़ारा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये दरिया का बहाव देखें, ये पीछे से आबशारों का पानी, ये नदी नालों का पानी, किस तरह ये आबशार देखें, किस कदर स्पीड में ये पानी दरिया के अंदर शामिल हो रहा है। पानी की झाग, पानी का शोर, और नाज़रीन ये शोर कई किलोमीटर तक हमें सुनाई दे रहा था पीछे भी।
नाज़रीन ये आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत ये मनाजिर हैं। ये मेरे पीछे पानी है, ये खूबसूरत दरख्त हैं, ये पहाड़ हैं और ये हल्की हल्की बारिश हो रही है, बल्कि थोड़ी तेज़ है गालिबन। और ये पानी का शोर, सुभान अल्लाह, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। मेरे मुँह से कोई ऐसा, मैं कहता हूँ कोई ऐसा लफ्ज़ निकले जो इस जगह की तारीफ़ बयान कर सके, लेकिन मैं इस जगह की तारीफ़ बयान करने से कासिर हूँ, सुभान अल्लाह। और जो मेरी फीलिंग्स है, जो मेरी पूरी टीम की फीलिंग्स है, वो मैं बताने से कासिर हूँ। बहुत ही अच्छी फीलिंग्स हैं हमारी और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पर आकर। आप जब भी यहाँ आएँ सवात वैली में, तो आप ये कलाम ज़रूर आएँ। कलाम है इसके, इससे पहले हम इससे पीछे जो जगह है बहरीन, वहाँ पर हम गए थे और वहाँ पर भी हमने खूब इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो रात यहीं होटल में हमने स्टे किया। ये सामने हमारा होटल है, ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने रात को स्टे किया और सुबह भी हम यही जगह, जैसे ही सुबह 5 बजे का वक्त हुआ तो मैंने कहा ये बाहर निकलते हैं और ये नज़ारा लेते हैं। बहुत खूबसूरत मनाजिर, बहुत खूबसूरत मनाजिर, कुदरत के हसीन मनाजिर। नाज़रीन ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बड़ा खूबसूरत सा एक पुल है जो गुजरगाह के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। गुजरगाह है लेकिन थोड़ा डेंजरस भी है, और लेकिन बजाय तो नज़र आ रहा है कि काफ़ी मजबूत है। हम इस पुल की तरफ जा रहे हैं और नाज़रीन मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बहता हुआ दरिया और ठाठे मारता हुआ दरिया किस कदर आबो ताब के साथ बह रहा है। और एशिया का ये स्विट्ज़रलैंड, या यूँ कह लें कि पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये एशिया का स्विट्ज़रलैंड है। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत ये मनाजिर हैं। नाज़रीन ये आप देख रहे हैं कि मैं इस पुल के ऊपर जा रहा हूं और अल्लाह रहम करे, मुझे बहुत खौफ भी आ रहा है, डर भी लग रहा है मुझे, लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूं इस पुल के ऊपर और बड़ा हसीन नज़ारा है ये, और काफ़ी दिल को भी थोड़ा डर भी लग रहा है। लेकिन अपने नाज़रीन को दिखाने के लिए शिराजी स्टूडियो के नाज़रीन ये देखें कि इस वक्त शिराजी स्टूडियो की टीम कहाँ पर पहुँची हुई है, वादी कलाम स्वात, और बड़े खूबसूरत नज़ारे शिराजी स्टूडियो को ये टीम ले रही है। और नाज़रीन मैं, आप ये देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत ये नज़ारे हैं। मेरे पीछे ये थोड़ा डेंजरस सा पुल है और साथ में नीचे ठाठे मारता हुआ बहता हुआ दरिया है, और मेरे कैमरा मैन इसको जानबूझकर हिला रहे हैं ताकि मैं चीख मार सकूं और मेरे मुंह से चीख निकल जाएगी। नाज़रीन ये बारिश भी हो रही है और यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को कुछ सुनाना चाहूँगा। सावण किण मिण लाई, हो सावण किण मिण लाई मेडा माही, अखियां छम छम वसियां ते वल नहीं हसियां। सावण किण मिण लाई, हो सावण किण मिण लाई मेडा माही, अखियां छम छम वसियां ते वल नहीं हसियां। गुले बन जावे माही, अखियां छम छम वसियां।
नाज़रीन ये आप देख रहे हैं वादी कलाम के ये फलकबोस पहाड़ किस कदर खूबसूरत इनके नज़ारे हैं। यहाँ पर देखें ये फोग का समय है, बड़ी खूबसूरत धुंध पड़ रही है, हल्की हल्की फुहार बारिश की सूरत में बादल, घने बादल उन्होंने घेर रखा है इस पूरी वादी को। मेरे पीछे आप देख सकते हैं और ये कितना खूबसूरत ये नाज़रीन ये बिल्कुल सड़क के साथ साथ ये नज़ारे हैं। ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये एक मंज़र आपके सामने है। गाड़ियाँ रोड से गुजर रही हैं, हम बिल्कुल रोड के दरमियान खड़े हैं, थोड़ा सा साइड कटना पड़ेगा। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत ये नज़ारे हैं। और ये पीछे मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे वहाँ उन पहाड़ों के बीच, वो देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। ऐसी पेंटिंग नाज़रीन इस इलाके की पेंटिंग्स होती हैं जो जिन्हें कागज़ पर किसी पेपर पर मुंतकिल करके महलों की जीनत बना दिया जाता है, दीवारों की जीनत बना दिया जाता है, ऐसी ही पेंटिंग्स होती हैं। देखिए नाज़रीन कितना खूबसूरत ये नज़ारा। नाज़रीन हम कलाम से इस वक्त निकल रहे हैं और अब हम जाएंगे, हमारी अगली मंजिल है बहरीन, उसके बाद मदीन और उसके बाद हम इंशाल्लाह वापसी की तरफ निकल जाएंगे। ये कलाम का आखिरी तकरीबन हिस्सा है, इसके बाद आगे बहरीन की हद शुरू हो जाएगी। हम यहाँ पर हम बस आपसे इजाज़त चाहेंगे। वादी कलाम का जो नज़ारे थे हमने आपको दिखाए हैं और बदकिस्मती से हम ड्रोन कैमरा नहीं उड़ा सके, बारिश की वजह से ड्रोन कैमरा नहीं उड़ सका, वरना आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर जो हैं वो आपको देखने को मिलते। तो इसी के साथ हम इजाज़त दीजिए, कैमरामैन सुल्तान शिराज़ी के साथ आपका मेज़बान हाफिज़ शिराज़ महमूद, अल्लाह हाफिज़। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।